असलम स्टूडेंट्स हो आर यू आई होप डेट यूर आर गुड एंड फाइन ओके इट्स योर इंग्लिश क्लास एंड टूडे वी विल स्टार्ट आर कॉपी वर्क सो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में जो है वो अपना चैप्टर कम्प्लीट किया था हमारा चैप्टर था जिसकी हम लोग रीडिंग कर रहे थे हम लोगों ने वो चैप्टर कम्प्लीट किया है और आज जो है हम उसका कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे और ये आपको जो है वो इंडेक्स पेज नज़र आ रहा है सबसे पहले हम इसके ऊपर डेट टॉपिक और पेज नंबर मेंशन करेंगे आप लोगों ने भी अपनी कॉपीज पर एज इट इज ऐसे ही काम करना है सो so, स्टूडेंट्स ये है हमारा इंडेक्स पेज जैसे कि मैंने इंडेक्स पेज रेडी कर लिया है आज हम लोगों ने कॉपी वर्क करना है तो हमारा इंडेक्स है आज टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर टू दुनजम ऑफ रेड चीफ के हम लोग वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंस को लिखेंगे और डेट है नाइनटीन मार्च सबसे पहले आपने इस तरह जो है वो सन सीरियल नंबर लिखना है मेरे पास क्योंकि ये सीरियल नंबर वन है इसलिए मैंने यहाँ पर वन मैंशन किया है लेकिन आपके पास जो भी सीरियल नंबर चल रहा है आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नंबरिंग देनी है अगर आपके पास नंबर थ्री है तो आप नंबर थ्री लिखेंगे अगर आपके पास ये टॉपिक सीरियल नंबर फोर पे है तो आप फोर लिखेंगे क्योंकि हमारा पेज नंबर वन है इसलिए मैंने पेज नंबर वन मेंशन किया है आपके पास जो भी पेज है आप उसी पेज को मेंशन करेंगे फोर्थ स्पोर्थ अगर आपके पास जो है आप अपना काम जो है आप पेज नंबर फाइव से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर फाइव ही लिखेंगे और अगर आप सिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो है आप वहाँ पर सिक्स लिखेंगे और आप लोगों ने अपना इंडेक्स पेज जो है वो ब्लैक पॉइंटर के साथ रेडी करना है इसके बाद आप क्लास अपना टाइटल पेज रेडी करेंगे अगर आपने अपना टाइटल पेज रेडी नहीं किया तो अपना टाइटल पेज रेडी कर लें किस किसने अपना टाइटल पेज रेडी किया है जिस बच्चे ने अपना टाइटल पेज डेडी किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और जिन्होंने अपना टाइटल पेज डेडी नहीं किया वो अपना टाइटल पेज रेडी कर लें तो क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ऊपर डे मेंशन करेंगे डेट मेंशन करेंगे और लिखेंगे क्लास वर्क जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि आज हमारा डे वन है स्टूडेंट्स तो हम जो है इसके ऊपर डे वन मेंशन करेंगे डे वन के साथ अपना हम यूनिट नंबर लिखेंगे उसके बाद अपना यूनिट नेम मेंशन करेंगे इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन की हेडिंग देंगे राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स हम क्वेश्चन की हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर वन राइट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स देन उसके बाद हम वर्ड्स और मीनिंग्स की हेडिंग देकर अपना काम लिखेंगे वर्ड्स जो है वो हम लिखेंगे पॉइंटर के साथ ब्लैक पॉइंटर के साथ और मीनिंग जो है वो हम लिखेंगे ब्लू पेन के साथ तो स्टूडेंट्स अब हमने अपने वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फोर क्लोज जायदाद अदा ना कर्ज़ अदा ना करने पर जायदाद पर जब्त करना या जायदाद पर कब्ज़ा करना कर्ज़ अदा ना करने पर जायदाद जब्त करना या कब्ज़ा करना प्रोविजन जखीरा सब्जेसन दारी बग्गी बग्गी कहते हैं वो घोड़े की गाड़ी को मोटेज कर्ज स्काउट जासूस गद्दारी एक्सीड आमादा करना तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग आपने एज इट इज़ वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक्स पर जो है वो कॉपी कर लेना है और आप लोगों ने जो है वो नीट नीट काम करना है और उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप लाइन छोड़ कर लिखें ताकि आपकी राइटिंग जो है वो नीट आ सके अब हम जाएंगे वर्ड सेंटेंस की तरफ तो हम अपना क्वेश्चन जो है वो रेडी करते हैं सो so स्टूडेंट्स अब हमने अपना जो है वो क्वेश्चन रेडी कर लिया है क्वेश्चन नंबर टू है हमारा मेक सेंटेंसेस सो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फ्रोशियस जैसे कि फ्रोशियस का मीनिंग हमने लेसन में भी पढ़ा था जालिम वैशी द द्रोशियस लाइन इज चेजिंग द डियर एक खूनखार शेर हिरन का पीछा कर रहा है तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर टू और सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास प्रोपोजिशन ही मेड एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन का मतलब होता है जो भी तजवीज़ देना तो उसने जो है यहाँ तजवीज़ पेश करना उसने एक पुरकशिश तजवीज़ पेश की थर्ड वन है स्टूड बाई यू साथ खड़े रहना योर फ्रेंड स्टूड बाई यू इन ट्रबल्स आपके दोस्त मुश्किल में आपके साथ खड़े रहते हैं ट्रिचड़ी देर इज़ अ फेयर ऑफ ट्रेचरी ट्रेचरी का मतलब होता है गद्दारी गद्दारी तो का खदशा है अप पैश टॉप मतलब के वो सुलह करना या मसले को ख़त्म करना दे हैव देव अप देर डिफ्रेंसिस उन्होंने अपने अख्तिलाफ को ख़त्म किया तो क्लास इसके साथ जो है वो हमारा आज का कॉपी वर्क जो है वो डन होता है आज हम लोगों ने आज हमारे कॉपी वर्क का डे वन था और हमने डे वन में वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस को अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन किया है तो आपने अपना काम जो है वो साथ साथ अपनी कॉपीज पर जो है वो लिखते रहना है और आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने अपना काम जो है वो अपनी नोटबुक्स पर कॉपी किया या नहीं किया जो स्टूडेंट अपनी नोटबुक पर अपना काम कॉपी कर ले मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिख दे और क्लास आपने चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको डेली के अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहे अपने चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैलोज़ के साथ शेयर करें उन्हें बताएं कि, कि आपके जो हैं वो रेगुलर लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़